फतेहाबाद जिले में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का खौफ उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। रतिया में चोरों ने बीती रात भगत सिंह चौक पर स्थित किसान इलेक्ट्रिक स्टोर पर धावा बोलते हुए वहां रखी लाखों रुपए कीमत की कॉपर वायर और गल्ले में रखी नकदी चुरा ली। दुकानदार के अनुसार चोरों ने दुकान के बाहर बकायदा गाड़ी लगाकर उनमें सामान लादा है और इस काम में उन्हें कम से कम 2 घंटे से अधिक समय लगा होगा, मगर पुलिस को इसकी कानोकान खबर भी नहीं हुई। उसने बताया कि बीती रात वह दुकान बंद करके गया था, आज सुबह उसे दुकान में चोरी की सूचना मिली जिसके बाद उसने पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी दुकान पर करीब 1 वर्ष पहले 2 बार चोरियां हो चुकी हैं, उनका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। पहाड़ ला के सैड तो पहाड़ ला के इन्हें कोपर सारी लैके चके बाहर गड्डी लाई से इन्होंने गड्डी लग के 2-2.5 घंटे घट्टो घट्ट इन्हें कम करे सारा इन्हें समान लेके चके गले जो कैश लेके नहीं चके 20-25 हज़ार रुपये पहले भी चोरी साड़ी हुई साल पहले वह भी कोई बरामद नहीं हुई। जी शहर से चोरी हो रही 1 साल 1.5 साल तो कोई बरामद नहीं हुई चोरी पता लग गया चोरी ये सवेरे असं सा पड़ोसी आया से उन्हें सूँ फोन कराया उस तो अभी देखा फिर पिछले पहाड़ लगे हुए सारा ये पहाड़ लगे जो शटर खोलिया सारे उतो तारा वगैरह सारा समान चक्या गया सारा किन्ने की चोरी हुई है 10 तो 15 लाख की चोरी हुई पुलिस कार्रवाई कर रही पुलिस आई है मौका देख रही है पुलिस रात अभी 9 बजे दुकान तो गए थे ठीक है उस तो बाद 6 बजे पता लगे ठीक है पहला भी चोरी हुई थी हाँ पहले साल पहले चोरी हुई थी 2.5 लाख रुपए की वो भी कोई बरामदगी नहीं हुई रिपोर्ट इधर। फतेहाबाद से राजेश बाबू की रिपोर्ट टाइम्स टुडे।